आए हैं तो सभी के रिजल्ट पॉजिटिव आए हैं, कि जैसे कि लोगों को भूख नहीं लगती थी या स्टार्टिंग सिम्टम्स थे, पहले उनके टेस्ट में वो रिपोर्ट में आया या नहीं आया, लेकिन उनका जैसे शरीर का टूटना, भूख ना लगना, आंखों का पीला, पेशाब में पीलापन दिखना, वो सारे सिम्टम बेस पे जो हमने होम्योपैथी मेडिसिन दी थी उससे उनको काफ़ी फर्क पड़ा है। काफ़ी दिनों तक आपने यहाँ पर फ्री दवाइयाँ दी पीलिया संबंधित, और शिमला में इतना बड़ा महारोग सा हो गया था, तो इसके लिए डॉक्टर साहब आपको भगवान देख रहा है, दुआएं मिल रही है। तो दूसरा मुझे ये बताइए, डायबिटीज़ जो एक ये भी महारोग हो रहा है, सभी लोगों को धीरे धीरे ये बढ़ रहा है, एक तरह से जैसे आपका राक्षस बढ़ रहे हैं, इस तरह से ये रोग भी बढ़ रहा है। हर आदमी मोटापा है और साथ साथ उसके साथ साथ उसको डायबिटीज़ शुरू हो जाता है, तो जैसे शुगर कहते हैं भाई, चीनी खाने से होता है, तो बताइए कैसे ये, इसके लक्षण बताइए और कैसे ये रोग फैलता है और किन दवाइयों से ठीक होता है। ये दवाइयाँ क्या होम्योपैथिक ज़्यादा कारगर है या आपकी एलोपैथिक है या जो है दूसरी जो भारतीय पद्धति रही है ये अपनी आयुर्वेद, या ये जो है कारगर है? देखिए, जैसे कि आपने कहा कि डायबिटीज़ जो रोग है वो डे बाय डे बढ़ रहा है, ये बात सच है कि डायबिटीज़ की बीमारी पर डे बढ़ रही है, क्योंकि उसका मेन कारण है मोटापा, और जैसे कि ब्लड प्रेशर का हाई होना, और सिडेंटरी हैबिट है, लोग है जो एक्सरसाइज नहीं करते हैं, उनका खान पान है जो जैसे कि जंक फूड, आज की जो न्यू जनरेशन है जंक फूड लेते हैं, उस वजह से जो डायबिटीज़ के केसेस हैं वो डे बाय डे बढ़ रहे हैं। डायबिटीज़ मेनली टू टाइप्स की होती है, डायबिटिक वन पेशेंट होता है जिसको आप इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ कहते हैं, या सेकंड टाइप होता है नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट। टाइप वन में क्या होता है कि उसको इंसुलिन के इंजेक्शन दिए जाते हैं, सुबह खाली पेट खाना खाने से जो पहले हैं उसको इंसुलिन की डोज दी जाती है, उसके बाद वो खाना खाता है, तो वो उसको ऑल ओवर जो लाइफ है उसकी वो इंसुलिन डिपेंडेंट होती है, इंजेक्शन लेना ही पड़ता है, क्योंकि वो इंसुलिन की मात्रा उसके शरीर में है वो कम होती है। और एक होती है टाइप टू, उसमें जो है पेशेंट को सिंपली मेडिसिन दी जाती है, वो इंसुलिन डिपेंडेंट नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट कहते हैं। तो डे बाय डे ये रोग इतना बढ़ गया है, लेकिन हमारे पास इंसुलिन डिपेंडेंट और नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट दोनों ही टाइप के पेशेंट आते हैं, जिसके लिए हम सबसे पहले तो पेशेंट का प्रॉपर केस लेते हैं, फिर टोटलिटी ऑफ सिम्टम पे हम मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं, और उसके साथ साथ हम के क्या खाना चाहिए, कैसे रोकथाम की जानी चाहिए, वो सारे हम उसको है, एक्सरसाइज है, चाहे योगा है, मेडिटेशन है, सारी थेरेपीज हम उसको एडवाइस करते हैं। बिल्कुल डॉक्टर साहब, आपके यहाँ मोटापे का भी इलाज कई दिनों से चल रहा है, बहुत सारे लोग आपने ठीक भी किए हैं, और जैसे मैं भी देख रहा था थोड़ी देर पहले मोटापे के एक पेशेंट आपसे दवाइयाँ भी ले गए, तो ये मोटापे के लिए क्या स्पेशल कोई दवाई है और जो बहुत जल्दी ठीक हो जाए, बहुत जल्द सामान्य जो वजन व्यक्ति का हो जाए, इस तरह का है कुछ? देखो, होम्योपैथी में जैसे मैंने बार बार कहा कि वैसे तो एक कोई स्पेसिफिक रेमेडी नहीं होती है, लेकिन मोटापे का सबसे पहले के कारण क्या है, या स्ट्रेस है, थायराइड है, या उसके खान पान की जो आदतें हैं, किस वजह से मोटापा है, सबसे पहले हम जो मेन कॉज है वो जानते हैं, उस बेस पे फिर हम प्रॉपर केस लेते हैं, उस बेस पे ही हम मेडिसिन सेलेक्ट करते हैं। सपोज किसी को थायराइड है या TSH का लेवल उसका बढ़ गया है, तो वो हाइपोथायरॉयडिज्म है, तो हम उस पे उसको एक्सरसाइज के लिए बिल्कुल डॉक्टर साहब कहेंगे, या खान पान है कोई VP का। संक्षेप में आपसे डॉक्टर साहब जानना चाह रहा हूँ कि कितने दिन लगेगी मोटापा कम करने के लिए? हम पेशेंट को दवाइयों के साथ साथ खान पान के बारे में बताते हैं, बिल्कुल, प्लस एक्सरसाइज के बारे में बताते हैं। इसमें कम से कम 1 month मान के चलो कि 1 or 2 months के अंदर, अगर आप चाहो तो 5 kilo भी कम कर सकते हो, 2 kilo भी कर सकते हो। बिल्कुल, बिल्कुल, और एक हमारी एक मेडिसिन आई है, श्वाबी कंपनी है, जो कि जर्मन मेड कंपनी है, और ये दवाइयों की मात्रा जो है आप प्रतिदिन यहाँ पे देते हैं, तो बिल्कुल जिनको भी अपना मोटापा कम करना है उनको डिवाइन जो शॉप है आपके, BCS डिवाइन होम्योपैथिक सेंटर, जो काउंसलिंग सेंटर है आपका, तो BCS आपको पहुँचना पड़ेगा, और साथ साथ भारत को कैशलेस बनाने वाला जो कैशलेस हॉस्पिटल है ये, और यहाँ पे जितने भी दवाइयाँ है और सारे ये जो साथ साथ लोगों के
कल्याण के कार्य भी करते हैं, जैसे पीलिया रोग था उसके लिए भी डॉक्टर साहब ने बड़ी मेहनत की और काफ़ी लोगों को पीलिए रोग से बचाया। तो आप सभी लोगों को कहीं नहीं जाना है, जैसे झाड़ फूँक इत्यादि, ये तो अपने विश्वास की बात है, लेकिन दवाई लेकर के, होम्योपैथी कैसी दवाई है, जब इसको ले गए आप, मीठी मीठी गोलियां डाल दी और बहुत जल्द इसका असर 30 सेकंड से असर इसका शुरू हो जाता है। तो डॉक्टर रेखा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, रोज़ इस तरह की जानकारियां लेने के लिए आपके पास आएंगे और वेबसाइट के थ्रू और सोशल मीडिया के थ्रू आपको जन जन तक पहुंचाने का हमारा वादा है।